तो कभी डांटा नहीं कि छोटे होते हुए जब आप छोटे थे तो मैं किस तरीके से आपको प्यार करती थी, आज मुझे आपकी जरूरत है तो आप मेरे को समय नहीं देते? नहीं, कहाँ डांटा, वो बहुत प्यार करते हैं मेरे से। बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, ज्यादा प्यार कौन करता है, अरविंद रैना जी करते हैं कि सुनील जी करते हैं? नहीं, दोनों ही करते हैं। मैं तो रैना साहब बहुत प्यार करते हैं मेरे से, बहुत प्यार करते। आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर, कैसा फील हो, आपको कैसा लगा जब ये सुना? मुझे बहुत दुख लगता है। तो साथ में मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उनको बस बहुत हो गया, अब बस कर देना चाहिए। जैसे कि कहते हैं पाप का घड़ा भर जाता है तो उसका अंत हो जाता है, तो अगर वो सुनेंगे तो उनको ये बात जरूर महसूस होगी कि एक माँ के दिल की आवाज़ है। गलत आरोप लगाना किसी को बर्दाश्त नहीं होता। हमने जीवन गांव में गुजारा है, हम इधर ही रहेंगे, आपको आशीर्वाद है, आप अपना काम करो, हम आपको दिन रात, हम ये बात भी पक्की है, आपने मंदिर देखा होगा, यहाँ हम सुबह शाम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस मिशन में लगे हैं भगवान उनको उस जगह पहुँचाए, जितनी हो सके वो सेवा करें जनता की। इंजीनियर रशीद जो है BPL कोटा, उसके घर वाले खा रहे, तो मुझे बड़ा हार्ड लगा। मैं क्या, इतना बड़ा आदमी और वो इंडिपेंडेंट जीता हुआ आदमी, और कितना उसका रेपुटेशन है, बोलता कैसे है वो, और पब्लिक के अंदर उसने क्या अपनी बना दी कि BPL ले रहा है। तो मैं एक हेडमास्टर रिटायर हूँ, ये नहीं है, मुझे बेटों का रविंदर रैना आज भी स्टेट प्रेसिडेंट है, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि अगर मैं गुस्से में बोलूँगा खामोश हो जाता। माँ है आप उनकी, घाटी के अंदर जब वो जाते हैं इस तरीके से बेखौफ होकर लोगों से गले लगते हैं, इतने इतनी भीड़ होती है वहाँ पर, तो किस तरीके का उस समय देखते हैं तस्वीरें वो आप तक पहुँचती? मैं कम देखती हूँ, थोड़ा सा देख के फिर मैं घबरा जाती हूँ, छोड़ देती हूँ, मैं नहीं देखती, फिर नहीं देखती। किसी को नीचा दिखाना, राजनीति है जनता की सेवा कर, लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार सबको है, हम नहीं कहते कि कोई ना बोले, अधिकार सबको है, लेकिन मर्यादा जरूर होनी चाहिए। ये स्तर इतना नीचे कुछ लोग गिरा रहे हैं, इसको देख करके मन सोचता है कि इतना कुछ होते हुए ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस ऊपर वाले को ध्यान में रख करके उसका तो खौफ हर वक्त है, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ये मन से वो बातें करें और निजी स्वार्थ के लिए इन शब्दों को ला रहे और वो उकसा रहे, उत्तेजित कर रहे कि ये भटक जाए, मार्ग से भटक जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मार्ग से भटकेगा, वो भटकने वाला नहीं है। बाहर चले गए और बाहर जाते ही उन्होंने आनन फानन में परिवार के ऊपर कुछ बोलना शुरू कर दिया, मन को बहुत दुख हुआ, ठेस पहुंची कि हम आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, हमने बेटे के जो भी सुविधाएं सरकार ने दे रखी हैं उसका कोई उपयोग नहीं किया। कोई लोगों ने उंगली वगैरह उठाई, कोई कहता है ये नास्तिक रूप का है, ये दिखावा करता है, ऐसे लंबे लंबे तिलक लगाता है, तो क्या कहें, पूरे नवरात्र रखता है वो। अगर हमारे पे भी कहकर उंगली उठाता है लेकिन दुख होता है, ठेस पहुँच दिया, क्योंकि आप अगर इंसान हैं, हम तो कोई देवता तो है नहीं कि हम ये कहें कि नहीं नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनका नाम राशन कार्ड से कटवा, मेरे बेटे पर आँच ना है, वो काम करता रहे। मैं ये सोच कर हम घर में बैठे तो ऊपर से अगर कोई कहे, बहुत दुख होता। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया ही चैप्टर जो है वो देखने को मिल रहा है। अक्सर आपने राजनीति में ये सुना है परिवारवाद शब्द, आपने ये सुना है करप्शन शब्द, लेकिन भाजपा के अंदर ही ये शब्द जो है वो सामने, और किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा में कुछ महीने पहले शामिल हुए PDP छोड़ सुरेंद्र चौधरी, एक बड़े नेता PDP से भाजपा में शामिल हुए, अरविंद रैना उस मंच पर थे। पार्टी की अगर बात करें, तमाम बड़े नेता जो थे वो उस मंच पर थे जब उन्होंने पार्टी का दामन थामा था, लेकिन जिस दिन उन्होंने
पार्टी को छोड़ा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, उन्होंने अपने ट्विटर पर ये ट्वीट किया जिसमें साफ तौर पर लिखा है, बाय बाय भारतीय जनता पार्टी, रविंद्र रैना परिवारवाद करप्शन एंजॉय। ये उनके शब्द हैं जो उन्होंने ट्विटर पर लिखे। उसके दूसरे ही दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, उनके दफ्तर में वो जाते हैं, वहां पर उमर अब्दुल्ला जी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उनकी अगुवाई में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामते हैं और वो इंटरव्यू में वो तीन चीजें कहते हैं। सबसे पहली चीज वो कहते हैं कि जब उनसे ये पूछा जाता है कि आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई नाराजगी चल रही थी कि आपकी भाजपा के साथ जो आप छोड़कर यहाँ आ गए हैं, तो वो कहते हैं कि ये लोग देखिए 2014 में कहाँ थे और आज 2023 में कहाँ है। ये उनके शब्द हैं, जरा सुनिए। इसके बाद वो दूसरी बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि चाचा भतीजा शब्द कोट करते हैं, यानी कि राजनीति में परिवारवाद है। फिर करप्शन के बारे में उनसे पूछा जाता है कि करप्शन कैसे है भाजपा में, तो वो कहते हैं कि आज तो हमने शगुन डाला है, पाजी जो है वो हम जल्द ही डालेंगे। ये शब्द हैं सुरेंद्र चौधरी जी के, ये एलिगेशन लगाए गए। और एलिगेशंस के बाद तो हमारी टीम ने ये सोचा क्यों ना वाकई में इस चीज़ की पड़ताल की जाए कि जो एक्स एमएलए रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी यूटी के, तीसरी दफा उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है रविंदर रैना जी को, जिनको पर्सनल कोर्ट कर टारगेट किया गया परिवारवाद और करप्शन को लेकर, क्या वाकई में कोई हकीकत है ऐसी? क्या 2014-2023 में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिला है? क्या बड़ी संपत्ति के मालिक बन चुके हैं? क्या परिवारवाद के चलते उनके परिवार से लाइन लग चुकी है उनकी पार्टी में? तो देखते हैं, विश्लेषण करते हैं आपके सामने। तो यहां पर इस समय जब मैं खड़ा हूं, ये जगह है सुंदरबनी से 22-23 किलोमीटर दूर नौशहरा, और यहां पर ही जो है रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी के तीसरी दफा अध्यक्ष बने हैं, वहां उनके घर के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं। ये उनका एंट्रेंस है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एंट्रेंस है जिस एंट्रेंस पर जो भारतीय जनता पार्टी के तीसरी दफा अध्यक्ष हैं और फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं, उनकी एंट्रेंस पर जो है वो गेट ही नहीं है, ये तार है, ये तार के साथ उनको कवर किया गया है। और ये जो सामने की तस्वीर आप देखेंगे, ये उनका घर का एरिया है। मेरे सहयोगी आपको पूरा जो है विश्लेषण करेंगे इस न्यूज का, जब दिखाएंगे पूरे तस्वीरें दिखाएंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी कि रविंदर रैना किस तरीके से, कैसे जो है वो रहते थे, किस तरीके से रहते थे, और रविंदर रैना जो है उनकी जीवनी कैसी है, उनके परिवार में कौन कौन है, उनके पिताजी, उनकी माताजी क्या करती हैं, उनके भाई क्या करते हैं, और उनके पिताजी का राजनीति से कोई ताल्लुक है क्या, उनकी माताजी का कोई ताल्लुक है क्या, उनके भाई का कोई ताल्लुक है क्या, करप्शन क्या, राजनेता जो भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष की बात करें, क्या उन्होंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई एलिगेशन करप्शन के चलते क्या उनके ऊपर लगा। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उनके घर का टूर है। अंदर आप देख सकते हैं सिंपल सा, जिस तरीके से टिपिकल गाँव में जो एक घर होता है उसी तरीके का ये घर है। एंट्रेंस जो है साफ तौर पर आपको देखने को मिल रही, बाहर एक आंगन है, उसको जब आप क्रॉस करेंगे तो सीढ़ियां मिलेंगी, उन सीढ़ियों को आप इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर चढ़ेंगे, चढ़ते ही आपके संग जो है लेफ्ट साइड में आपको जो है ये तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर है उनकी रसोई की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज भी चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उनके घर पे आज भी चूल्हे से रोटी जो है वो बनाई जाती है। और बिल्कुल सामने अगर आप तस्वीर देखेंगे तो एंट्रेंस है उनके घर की, तो जब आप घर की तरफ जाएंगे अंदर तो आपको एक लॉबी मिलेगी, लॉबी के सामने आपको एक रूम मिलेगा, साथ में आपको एक ड्राइंग रूम छोटा सा, और उसी के साथ जो है लेफ्ट साइड की अगर बात करें एक और रूम आपको देखने को मिलेगा, यानी कि तीन रूम है, एक लॉबी है छोटी सी, और यही घर है जिसमें बचपन गुजारा अरविंदर रैना ने, इन्हीं गलियों का इस्तेमाल किया। ये सड़क भी दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो सड़क है, इसी सड़क का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है जब उनके घर की तरफ आप आते हैं। अब मैं आपको अंदर की तस्वीरें तो दिखा ही रहा हूँ, उनकी माताजी, उनके पिताजी यहाँ हैं। एक दिलचस्प गौर करने वाली मैं आपको बात भी बताना चाहूँगा, जब हम यहाँ पहुँचे, हमारी जब उनके माता पिता से इस तरीके से बात हुई कि हम यहाँ पहुँचे हैं, हम उनके घर को देखना चाहते हैं, क्या वाकई में कोई करप्शन में लुप्त तो नहीं है रविंदर रैना जी, क्या परिवारवाद तो नहीं राजनीति में चला रहे वो, तो हम तस्वीरों को देखना चाहते हैं, तो उनकी माता ये कहती हैं कि वो तो घर ही नहीं पहुँचते, 6-6 महीने हो जाते हैं, हम उनकी सूरत तक नहीं देखते कि वो घर पहुंचेंगे। और जब वो कश्मीर घाटी की तरफ जाते हैं तो वो बात कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। उनके पिताजी
जो हैं, मैं वो भी तस्वीर आपको दिखाता हूँ, उनके पिताजी जो हैं वो रिटायर्ड हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, हेडमास्टर रिटायर्ड हैं, पूरा जीवनी उन्होंने जो है एजुकेशन सेक्टर में दी, और उनकी माता जी हाउस वाइफ हैं जिस तरीके से घर का काम करती हैं, और उनके भाई जो हैं छोटे वो आर्मी में हैं, और वो बाहर जो स्टेट है वहाँ पर जो है इस समय पोस्टेड है, वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। बात ये है कुल मिलाकर कि उनके परिवार में जो चार लोग हैं, इन्हीं चार लोगों का परिवार से कोई ताल्लुक नहीं। वही दिलचस्प बात कोर फरमाने की ये है कि रविंदर रैना जी की ये जो दादाजी थे, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उनके दादाजी की तस्वीर है, भारतीय सेना की अगर बात करें तो उसमें एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई, और उसी में उसी भूमिका को निभाई उन्होंने, और उनको जो सेना मेडल था उनके साथ सम्मानित भी किया गया। वही दो अहम युद्ध जो लड़े उसमें भी उन्होंने जो थी अपनी महारत जो थी वो दिखाई। ये तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उनके पिताजी माताजी भी यहीं पे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दादाजी की अगर बात करें, स्वर्गीय हवलदार नंदलाल जी उनका नाम था, और भारतीय सेना के पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो थे। 1962 की अगर बात करें भारत चीन युद्ध तथा 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया, लड़े, युद्ध में उनको शौर्य चक्र तथा पराक्रम चक्र देते हुए जो है उन्हें सेना मेडल से जो था वो सम्मानित भी किया गया। और आज उनका भी अगर बात करें तो उनका भी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं था। वही बात उनके पिताजी की करें, उनके पिताजी का नाम जो है वो पुष्पदत्त रैना जी है, और वो भी एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने पूरी जीवनी दी और रिटायर्ड बतौर हेडमास्टर हुए। यहाँ पर अगर बात करें, जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आस पास और दूर दराज के इलाकों में जो भी बच्चा उन्हें गुरु जी की तरह पूछता है, उन्हें नतमस्तक होता है, नमस्ते करता है, क्योंकि उन्हें पूरी जीवनी बच्चों को पढ़ाया है, और उन्होंने एक भी छुट्टी जो है अपने कार्यकाल में नहीं करी। वन की जो गर्मियों की छुट्टियां होती वहां पर भी उन्होंने जो है अपना पूरा जो योगदान था वो बच्चों को दिया, ताकि बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा जो है वो ना आए। वही अरविंद रैना जी की बात करें तो ये दो भाई हैं, छोटा भाई सेना में है और राजनीति से उसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो सवाल ये उठता है, परिवारवाद कैसे, करप्शन की यहां तक बात है तो ये तस्वीर देखिए मेरे साथ, लगता है कि आप वाकई रविंदर रैना भी करप्शन की होगी। और ये दो तस्वीरें भी दिखाता हूं आपको, दरअसल ये राशन कार्ड की तस्वीरें हैं, ये देखिए ये राशन कार्ड है जिसमें 2014 राजनीति से आने से पहले रविंदर रैना जी जो थे वो राशन कार्ड में उनका नाम था बकायदा, और उसके बाद जब वो एमएलए बन जाते हैं तो उसके बाद उनका राशन कार्ड से नाम भी गायब है, यानी कि राजनीति में आने के बाद जब वो एमएलए बने तो उन्होंने सरकारी सुविधा लेने से भी इनकार, यानी कि परिवार के मेंबर भी नहीं रहे, राशन कार्ड से भी बाहर अपना नाम निकलवा लिया। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, परिवार के अंदर पिताजी उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं जीवनी के बारे में, रविंदर रैना जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। रविंद्र रैना जी के पिताजी और उनकी माताजी तस्वीर में आप देख सकते हैं मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। रविंद्र रैना जी भारतीय जनता पार्टी JKUT अध्यक्ष से जो उनका सफ़र रहा वो कैसा रहा, रविंद्र रैना से रविंद्र रैना भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष तक वो कैसे पहुंचे, और इनके परिवार में कितने लोग हैं, और उनका सफ़र जो है ज़िंदगी का कैसे रहा, क्या किन किन पदों पर वो रहे और आज वो कहां पर हैं, वो तमाम चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं, सीधी बातचीत जो है इनके पिताजी से करते हैं। सर आपका स्वागत है और शुक्रिया आपने समय दिया इस बातचीत में हमारा हिस्सा बनने के लिए, धन्यवाद, शुक्रिया आपका भी। सर यही जानना चाहूँगा, दो ही सवाल आपसे पूछूंगा, पहला सवाल मेरा ये है कि आपके परिवार की अगर बात करें कुल कितने लोग हैं, और आपके पिताजी क्या करते थे, आप यहाँ कब से रह रहे हैं इस घर में जिस घर को मैंने रिकॉर्ड किया अपने कैमरा में, और तमाम लोग जो जो अपने घर में हैं वो किस किस कार्य में हैं, किस किस फील्ड में काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी आर्मी में थे और 64 में वो रिटायर हुए हवालदार, 62 की जो चाइना इंडिया का लड़ाई हुई उसमें वो शामिल थे। हम एक माध्यम पर वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और लगभग 54-55
से हम यहाँ से यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि हम पीओके से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर ही हमारी जीवन का ज़्यादा हिस्सा गुजरा, परवरिश हुई। पिताजी ने अपने जो भी साधन थे यहाँ गाँव के, उनका, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे थे, किसी वक्त के अच्छे पढ़े लिखे, और वो हिंदी उर्दू इंग्लिश के बड़े अच्छी उनकी राइटिंग थी, तो उन्होंने हम पर थोड़ा ध्यान रखा। उनकी बदौलत हम भाई पढ़ पाए, और उनकी ही प्लानिंग से, वरना उस ज़माने में बड़ा मुश्किल था। और यहाँ तक हमें कॉलेज तक भी दो भाइयों को भेजा। तो बाद में मैं टीचर अपॉइंट हो गया। टीचर के बाद विभाग के अंदर ही मैंने पढ़ाई भी जारी रखी, क्योंकि उस वक़्त इतने साधन थे नहीं। कॉलेज जम्मू में था तो हम जा नहीं सकते थे इतना पूरी पढ़ाई करने के। जो बाकी की पढ़ाई थी वो मैंने ग्रेजुएशन और बीएड वगैरह ये डिपार्टमेंट के अंदर की। बाद में मुझे मास्टर ग्रेड मिला, हेड मास्टर में रिटायर हुआ, 12-13 साल हो गए। तो मेरे दो बेटे हैं, और दोनों, उनमें रविंदर रैना जो है वो अपने और संघ के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने जीवन को उस लेवल तक ढाला, और अपने आप को दिन रात मेहनत करके तैयार किया, और बाद में ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में भी जाकर इनके मौका मिला पहुंचने का। उनसे भी इनकी बातचीत जो है हुई, धीरे धीरे इनकी पहचान जो है सेंटर के लोगों से हुई। बाद में अमित शाह जी ने इनकी पहचान कर ली, और मोदी जी तो साथ ही थे, तो उस प्रयास से और उनके आशीर्वाद से और ऊपर वाले की कृपा से इनको मौका मिला, और 2014 में ये राजनीति में बाकायदा तौर पर आए, शामिल हुए, और इन्हें सफलता मिली। जहाँ तक परिवार का ताल्लुक है, छोटा बेटा वो भी ग्रेजुएट है, और ग्रेजुएशन के बाद वो पैरामिलिट्री फोर्स एसएसबी में चला गया। आजकल वो बिहार में है, और थोड़ा अरसा जम्मू में रहा, और जम्मू में भी कुछ लोगों ने प्रयास किया कि इसको यहाँ रिटेन किया जाए, लेकिन रैना साहब नहीं माने। लोगों ने बोला कि अमित शाह से आपकी अच्छी है, तो होम मिनिस्ट्री उनके अंडर है, तो वहाँ पे इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं बाहर का क्या, मैं घर का तो सवाल ही नहीं पैदा, इसको जाना पड़ेगा। ये चला गया और वहीं सर्विस दे रहा। इन दिनों में थोड़े दिन हुए राजनीति के अंदर निजी स्वार्थों के कारण कुछ लोग बाहर चले गए, और बाहर जाते ही उन्होंने आनन फानन में परिवार के ऊपर कुछ बोलना शुरू कर दिया, जिससे हम अपने पिछले जीवन को आम लोगों के साथ धरातल पर जुड़े हुए, दुख होता है, मन को बहुत दुख हुआ, ठेस पहुंची कि हम आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, हमने बेटे के जो भी सुविधाएं सरकार ने दे रखी हैं उसका कोई उपयोग नहीं किया, और ना हमारी इच्छा रही। बेटा हमारा नाराज़ होता हमसे कि आप मुझे, कई लोग आकर पूछते हैं आपके माता पिता कहाँ हैं, तो हम कहते हैं भाई हम नहीं रह सकते, हमने जीवन गांव में गुजारा है, हम इधर ही रहेंगे, आपको आशीर्वाद है, आप अपना काम करो, हम आपको दिन रात, हम ये बात भी पक्की है, आपने मंदिर देखा होगा, यहाँ हम सुबह शाम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि जिस मिशन में लगे हैं भगवान उनको उस जगह पहुंचाए, जितनी हो सके वो सेवा करें जनता की। तो इस चीज़ को देख करके कुछ लोगों ने उंगली वगैरह उठाई, कोई कहता है ये नास्तिक रूप का है, ये दिखावा करता है, ऐसे लंबे लंबे तिलक लगाता है, तो क्या कहें, पूरे नवरात्रि रखता है वो। शिवरात्रि के दिन शिवखोड़ी में माता वैष्णो देवी जाता है और शिवलिंग का अभिषेक वगैरह घर के अंदर करवाता है, पंडित को बुला करके 12-15 का इतना बड़ा कमरा सेकंड स्टोरी के ऊपर मंदिर का बना रखा है, यहाँ वो घंटों बैठते। तो फिर आखिर उन लोगों का भी कोई धर्म है, वो भी किसी देवता को मानते होंगे, तो इस किस्म के आक्षेप करना, किसी को नीचा दिखाना, राजनीति है जनता की सेवा करना, लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार सबको है, हम नहीं कहते कि कोई ना बोले, अधिकार सबको है, लेकिन मर्यादा ज़रूर होनी चाहिए। ये स्तर इतना नीचे कुछ लोग गिरा रहे हैं, इसको देख करके मन सोचता है कि इतना कुछ होते हुए ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये जानते हुए, ये नहीं है कि जानते नहीं, पता है इनको, लेकिन फिर भी अगर ऐसे शब्दों का ऐसा वातावरण ये बनाते हैं लोगों के अंदर, तो ये मेरा ख्याल है देश के लिए भी और जनता के लिए भी, जिनके प्रति ये लोग जवाबदेह हैं उनसे भी अन्याय। क्या लगता है ये एलिगेशन जब लगाए गए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, आप तक ये मैसेज पहुंचा होगा कि इस तरीके से आपके बेटे पे लांछन लगाया गया, ट्वीट कर ये कहा गया चाचा भतीजा, परिवारवाद, करप्शन जो है वो लुप्त में है अरविंद राणा जी, और 2014 में देखिए कहाँ थे ये लोग, 2023 में देखिए कहाँ हैं ये लोग। तो क्या लगता है उन लोगों ने, क्योंकि जिन लोगों ने आरोप लगाए वो लोग इस एरिया में कई बार घूम के गए उनके साथ, इस घर का भी दौरा उन्होंने शायद किया होगा, यहाँ भी बैठे होंगे, उसके बावजूद भी देखिए मैं आज भी उस ऊपर वाले को ध्यान में रख करके, उसका तो खौफ हर वक्त है, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, मुझे नहीं लगता कि ये मन से वो बातें करें और निजी स्वार्थ के लिए इन शब्दों को ला रहे और वो उकसा रहे, उत्तेजित कर रहे हैं कि ये भटक जाए, मार्ग से भटक जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मार्ग से भटकेगा, वो भटकने वाला नहीं है। आप देखिए ना, आप सुन, मैं राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन आम बात है जनता की है, कितने लोग मोदी को बुरा भला कहते हैं, तो वो काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको, दिन रात लगे हुए हैं। अगर हमारा इतना बड़ा नेता अगर ऐसा कर रहा है तो हम भी सब्र कर रहे हैं, अगर हमारे पे भी कहकर उंगली उठाता है, लेकिन दुख होता है, ठेस पहुँचती है, क्योंकि आप अगर इंसान हैं, हम तो कोई देवता तो है नहीं कि हम ये कहें कि नहीं नहीं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलो ये चीज़ उनको मुबारक, मैं क्या कह सकता हूँ, अगर वो ऐसा कर रहे हैं हमें तो नज़र में कुछ घर में लगता नहीं। ये एक चीज़ मैं भी नोटिस कर रहा था। अच्छा, राशन कार्ड को लेकर भी एक, मैं क्योंकि कोट किया मैंने जब मैं आपसे बात कर रहा था, आपने मुझे वो जो चीज़ दिखाई, बड़ा ज़रूरी है जो चीज़ें भी लोगों तक पहुंचाना, मैं चाहूँगा आप जरूर बताएं कि एमएलए बनने से पहले राशन कार्ड में नाम था, एमएलए बनने का उन्होंने खुद कहा कि ये नाम कटवा दीजिए मुझे फ़ायदा नहीं लेना। देखिए ऐसा हुआ, जब उन्होंने बोला कि मुझे घर से, मुझे ज़मीन की मकान की कोई नहीं है, छोटे लड़के को आप बोल दो कि आपकी सेवा करे, घर में देखभाल थोड़े रखे, बाकी आप चले आओ जम्मू, अच्छा। मेरे हमारे साथ रहो, सब कुछ वहाँ आपको मिलेगा। हमने इनकार कर दिया, कहने लगा अच्छा अगर आप यहाँ रहते हो, उन्होंने लोगों को ही बोला कि माता पिताजी मेरे मानते नहीं हैं, यहाँ आकर ज़्यादा बीमार होते हैं, तो वो उधर ही चले गए। जब हमने सोचा, एक बार की बात है, उन्हें तो पता ही नहीं ना, तो मैंने असेंबली में देखा कि इंजीनियर रशीद जो है बीपीएल कोटा उसके घर वाले खा रहे, तो मुझे बड़ा आड़ लगा, मैं क्या इतना बड़ा आदमी और वो इंडिपेंडेंट जीता हुआ आदमी और कितना उसका रेपुटेशन है, बोलता कैसे है वो, और पब्लिक के अंदर उसने क्या अपनी बना दी कि बीपीएल ले रहा है। तो
मैं एक हेडमास्टर रिटायर हूँ, ये नहीं है। मुझे बेटों का रविंदर रैना आज भी स्टेट प्रेसिडेंट है, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि अगर मैं गुस्से में बोलूँगा खामोश हो जाता, कभी नहीं मेरे ऊपर उंगली उठा के देखेगा, खामोश हो जाएगा। तो मैं एक बाप होने के नाते मैंने सोचा उसने कितनी बेइज्जती करवा दी। ये बोलते हैं मुझे घर नहीं चाहिए, ज़मीन नहीं चाहिए, और राशन कार्ड में क्या करना है? फिर राशन कार्ड में ज़मीन का नाम रखकर, तो बाद में आपका इनका नाम कटवा दिया। आज की डेट में आपको दिखा दिया मैंने कि इनका, हालांकि ये कोई मोटी बात नहीं है, ये कोई हंसने वाली बात या कोई मजाक भी नहीं है कि माँ बाप अपने हाथों के बेटे का नाम, क्यों कि बेटे पर आँच ना है। मैंने उनका नाम राशन कार्ड से कटवाया, मेरे बेटे पर आँच ना है, वो काम करता रहे। मैं ये सोचकर हम घर में बैठे तो ऊपर से अगर कोई कहे, बहुत दुख होता। उनके पिताजी को आपने सुना, देखिए राजनीति से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिद्ध भी होता है, और शिक्षक है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पूरी जीवनी जो है शिक्षा, एज ए शिक्षक जो है मैंने निभाई, और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी जो है वो भी की मैंने। आज भी इस एरिया में चाहे जहाँ जहाँ भी उन्होंने पढ़ाया है, उनको एज ए गुरु के रूप में ही जो है उनके बच्चे जो उनसे पढ़ कर गए हैं, चाहे वो किसी भी अहदे पर आज पहुँच गए, किसी मुकाम पर पहुँचे ज़िंदगी में, इन्हें अपना गुरु ही मानते हैं। उनकी माता जी देखिए सात तफसीलों में यहाँ बैठी हैं, मैं उनसे ज़्यादा सवाल से दो ही चीज़ें पूछूँगा कि वो घर कब आते हैं और उनकी बात उनके साथ कितनी होती है, क्योंकि हम जब उनसे मुलाकात करते हैं तो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाता हूं, सुबह से शाम तक जो है उनके दफ्तर में लाइन लगी रहती है, तो घर भी उनका आना होता है, बातचीत हो पाती है कि नहीं हो पाती, माँ देखते हैं क्या कहती हैं। आप बताएं मुझे, अरविंद राणा जी घर आते हैं? बहुत कम आते हैं वो घर, कहीं उनका दौरा हो रजौरी पुंछ का तो जाते आते 5 मिनट के लिए मिल जाते हैं, बस 5 मिनट के लिए। 5 मिनट आपका दिल भर जाता है 5 मिनट में? कहाँ भरता है मेरा, तो फिर मैं जब बहुत दिन बीत जाते हैं तो घबराती हूँ, तो फिर वहीं चली जाती हूँ उनके पास, 2 दिन रह के वापस आ जाती हूँ। 2 दिन ही रहते हैं? 2 दिन ही रहती हूँ। ज़्यादा मन नहीं लगता उधर? नहीं लगता है मन, फिर वो होते ही नहीं है घर में, तो घर पे भी नहीं रहते, घर पे नहीं रहते, रात को लेट आते हैं, फिर जब आते हैं तो उनको बोलने की हिम्मत ही नहीं होती, थके होते हैं। तो कितने सालों से ऐसा चल रहा है? बहुत सालों से चल रहा है, जब से ये राजनीति में है तो दौड़ धूप इनकी बहुत रहती है, तो समय कम होता है इनके पास। कहा जाता है कि बेटे जब किसी के घर पे होते हैं तो माता का कहीं ना कहीं बोझ कम होता है, पिता का बोझ कम होता है, कंधों से जो वजन है वो कम हो जाता है, उनका साथ देते हैं, लेकिन वो देश की सेवा में, लोगों की सेवा में लग गए हैं। छोटा बेटा आपका वो भी देश की सेवा कर रहा है, तो कितना मुश्किल है माँ के लिए इस तरीके से घर पे अकेले, 2 बेटे होने के बावजूद भी अकेले? हाँ वो तो है, अकेले हैं, छोटा आता है बीच बीच में। अच्छा। तो इनके पास समय नहीं होता। अच्छा। फिर कभी मैं चली जाती हूँ, फिर बैठते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए, फिर उनके पास ही समय नहीं होता, रात को बहुत लेट आते हैं। तो कभी डांटा नहीं कि छोटे होते हुए जब आप छोटे थे तो मैं किस तरीके से आपको प्यार करती थी, आज मुझे आपकी जरूरत है तो आप मेरे को समय नहीं देते हो? नहीं, कहाँ डांटा, बहुत प्यार करते हैं मेरे से। बहुत प्यार करते हैं? अच्छा, ज्यादा प्यार कौन करता है, अरविंद रैना जी करते हैं कि सुनील जी करते हैं? नहीं, दोनों ही करते हैं, मैं तो रैना साहब बहुत प्यार करते हैं मेरे से, बहुत प्यार करते हैं। आपकी आपकी सूरत बिल्कुल उनकी सूरत बिल्कुल आपकी तरह है, आज मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिला हूँ तो मुझे लग रहा है पूरा कि पूरा रूप जो है आप ही का उनके अंदर है, ये आपको ही पता होगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, माँ है आप उनकी, घाटी के अंदर जब वो जाते हैं इस तरीके से बेखौफ होकर लोगों से गले लगते हैं, इतनी इतनी भीड़ होती है वहाँ पर, तो किस तरीके का उस समय देखते हैं तस्वीरें वो आप तक पहुँचती? मैं कम देखती हूँ, थोड़ा सा देख के फिर मैं घबरा जाती हूँ, छोड़ देती हूँ, मैं नहीं देखती, फिर नहीं देखती। फोन करते हैं उस समय उनको कि कैसे हैं, कैसे हैं? फोन कभी कभी करती हूँ, फिर वो कभी फ्री हो तो उठा लेते हैं, अगर नहीं फ्री हुए तो उन्होंने नहीं उठाया, फिर वो रात को पूछेंगे कि आप फोन क्यों कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने बोलती हूँ कि ऐसे ही कर रही थी मैं, बहुत दिन हो गया आपने फोन नहीं किया तो इसलिए कर रही थी, बस थोड़ी सी बात करेंगे तो फिर काट देंगे फोन। अरे जब मिलते हैं सारी नाराजगी दूर हो जाती है आपकी? और क्या, फिर भूल जाती हूँ मैं। भूल जाता है सारा कुछ, फिर खुशी भूल जाती। हाँ। अच्छा, आप क्योंकि ये तो राजनीति का सवाल आपसे मैं पूछ, लेकिन इतना जो पूछूंगा कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर, कैसा फील हो, आपको कैसा लगा जब ये सुना आपने? मुझे बहुत दुख लगता है,
तो साथ में मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उनको बस बहुत हो गया, अब बस कर देना चाहिए। जैसे कि कहते हैं पाप का घड़ा भर जाता हो तो उसका अंत हो जाता है, तो अगर वो सुनेंगे तो उनको ये बात ज़रूर महसूस होगी कि एक माँ के दिल की आवाज़ है। गलत आरोप लगाना किसी को बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक माँ जो है वो किस तरीके से यहाँ पर अपने बेटे के लिए बेचैन भी होती है जब वो घाटी के लिए जाते हैं। एक पिता हैं, उनको भी काफ़ी दुख हुआ जब इस तरीके के आरोप उनके बेटे पे लगाए गए, कहा गया कि वो करप्शन, परिवारवाद, चाचा भतीजा, इस तरीके की चीज़ें लगाएगी। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प बात है ये। उनके छोटे भाई इस समय बिहार में है, जिस तरीके से उनके पिताजी ने भी कहा, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ बताते हुए मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पोस्टिंग जो है पीएमओ ऑफिस में भी हुई, और जब उन्हें वहां पर डिप्यूट किया गया, वहां पर उन्हें पोस्ट किया गया, तो उस समय जो है वहां पर, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो चीजें वेरीफाई करती है, एजेंसीज ने चीजें चेक की, तो पता चला कि रविंदर राणा जी के भाई हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि परिवारवाद तो पीएमओ ऑफिस में नहीं चलेगा, कल को हमारे वहां दिया गया। तो उन्हें उल्टा खामियाजा भुगतना पड़ा रविंदर राणा जी की वजह से। अपनी जो पोस्टिंग थी, अच्छी पोस्टिंग मिल रही थी, प्रधानमंत्री कार्यालय में वो पोस्ट हो रहे थे, रविंदर राणा जी का नाम आया तो परिवारवाद होता तो फायदा मिलता, लेकिन उन्हें उल्टा नुकसान हो गया और वहां से वो वापिस जो है उन्हें कहीं और जो है पोस्ट कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, मेरे को ना तो उनसे कुछ लेना देना, ना जिन्होंने आरोप लगाए उनसे लेना देना, लेकिन एक चीज थी कि चीजें जो है वो फैक्ट्स क्लियर किए जाए, पिक्चर जो है बड़ी पिक्चर आप लोगों तक दिखाई जाए। एलिगेशन लगाना बड़ी अच्छी बात है, वो बड़ी जल्दी कोई लगा सकता है, लेकिन उसे सिद्ध करना वो उतना ही मुश्किल है और कठिन कार्य है। सच्चाई क्या है जनता के हवाले ये वीडियो रख रहा हूँ, तस्वीरें देखिए, ये कमरे हैं, इन कमरों के ऊपर जो खिड़कियां लगी हैं वो वही पुराने जमाने की, वो जो आप देखते हैं टिपिकल ओल्ड फैशन्ड, वही लगी हुई हैं। जो दीवारें हैं वो वैसी हैं, जो डोर्स हैं उनके अंदर जो लॉक लगे हैं वो वही, जो कुंडियां रहती थी पुराने फैशनेबल चीज यहाँ पर मुझे नजर नहीं आई, वही चूल्हा जो बाहर आपने देखा किचन के बाहर, उसी पे जो है खाना बनता है, कुन्नी जो डोगरी में हम बोलते हैं वो बाहर उसके ऊपर चढ़ी हुई थी, तो वो चीजें साफ तौर पर नजर आई कि ये चीजें आज भी ओल्ड फैशन, जिस तरीके से कहा जाता है कि संस्कृति हमारी सभ्यता जो है उसी के साथ जुड़े हुए माता पिता, जिस तरीके से साफ तौर पे कहा, पिताजी कह रहे हैं 1.5 साल हो गए जो जम्मू गए हुए, तब जाता हूँ जब कभी बीमार होता हूँ तो जाता हूँ, माता जी कहती है कि मेरा ज्यादा जब मन हो जाए तो बेटे से मिलने चली जाती हूँ, लेकिन जैसे 2 दिन रहती हूँ वापिस आ जाती हूँ, क्योंकि घर भी देखना होता है यहाँ पर, छोटा बेटा बाहर देश की सेवा में, जो बड़ा बेटा वो जनता की सेवा में। तो ये परिवार है, और परिवारवाद क्या है ये जनता को तय करना है। लगता है तस्वीरें देखकर रविंदर रैना जिसपे ट्वीट कर ये एलिगेशन लगाए गए परिवारवाद और करप्शन, क्या वाकई में उसका परिवार जो है वो राजनीति के अंदर फायदा ले रहा है, और जो करप्शन के चार्जेस हैं, करप्शन से क्या कोई बड़ा आलीशान महल जो है रविंद्र रैना ने बनाया है। तस्वीरें आपके समक्ष रख दी है, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि चीजें जब सामने होती हैं इंसान अंदाजा और उस पर टिप्पणी करे वो ही बेहतर रहता है। अदित्य डोगरा के साथ शुभम लंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए जय।